नमस्कार, सिक्योर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत बंधन अभिनंदन है। दोस्त, मैं हूँ दिलीप और आज हम स्टडी करने वाले हैं बुद्धि लब्ध के बारे में, इंटेलिजेंस क्वेश्चेंट के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। तो हम आइए आगे भी बढ़ने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधा पॉइंट पर जाते हैं। जबकि हमने पिछली वीडियो हमने देखा था बुद्धि क्या होती है और उसकी डेफिनेशन को हमने बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश की थी, और आज हम इसमें थोड़ा एक कदम आगे बढ़ते हुए हम बुद्धि लब्ध के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द इंटेलिजेंस क्वोशेंट, बुद्धि लब्ध क्या होती है। ओके, तो आइए हम जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ द इंटेलिजेंस क्वोशेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, बुद्धि लब्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्धि लब्ध, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। ओके, बुद्धि लब्ध कहते हैं। बुद्धि लब्ध क्या होता है कि कई अलग अलग मानकृत परीक्षण से प्राप्त, जस्ट मिनट गाइस, कई अलग 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 मानकीकृत कई अलग अलग मानकीकृत परीक्षणों से प्राप्त करना, क्षणों से प्राप्त एक गणना जिससे जिससे बुद्धि का आकलन किया जाता है जिससे बुद्धि का आकलन किया जाता है असेसमेंट किया जाता है आकलन किया जाता है बुद्धि लब्धि कहलाता है। ओके, क्या होता है कि कई अलग अलग मानकीकृत परीक्षण से प्राप्त एक गणना जिससे बुद्धि का आकलन किया जाता है वो क्या कहलाता है? बुद्धि लब्ध कहलाता है। इस पर क्या होता है, एक बुद्धि लब्ध क्या होता है, एक इस तरह से एक स्कोर रहता है किसके लिए, इस तरह से यहाँ पे देखिए एक ग्राफ बनाया जाता है इस तरह से, और यहाँ पे उसका एक ग्राफ बना दिया जाता है। फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, अपनी फ्रीक्वेंसी हो जाती है फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे जो होता है टेबल हो जाता है IQ इंटेलिजेंट क्वोशेंट, और यहाँ से इसका हाई लेवल ग्राफ यहाँ से डाउन हो जाता है इस तरह से। ओके, यहाँ पे मान लो 0 रहता है, फिर 60 70 80 100, यहाँ पे 90 120 110 120 130 140, इस तरह से ग्राफ बना दिया जाता है। बुद्धि लब्ध क्या होता है, बुद्धि लब्ध अलग कई अलग अलग मानकीकृत परीक्षण से प्राप्त गणना जिससे बुद्धि का आकलन किया जाता है बुद्धि कहलाता है। यहाँ पे जो अलग अलग मानकीकृत परीक्षण होंगे और अलग अलग व्यक्तियों का अपना अलग अलग बुद्धि होती है, और उसके कारण ही उसके व्यक्ति उसके क्या करते हैं उसके बुद्धि का निर्धारण किया जाता है कि किस व्यक्ति में कितनी बुद्धि होती है। इस इंटेलिजेंट स्कोर पे इंटेलिजेंस क्वोशेंट स्कोर पे जो जिसकी बुद्धि 100 के ऊपर आती है तो उसे क्या माना जाता है, एवरेज माना जाता है या औसत से अधिक माना जाता है, यही होती है उसकी बुद्धि की मापनी होती है। तो इसमें चलो हम एक कदम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बात अगर हम करते हैं इंटेलिजेंस क्वोशेंट की बात करते हैं, तो इंटेलिजेंस क्वोशेंट का जो सबसे प्रथम परीक्षण जो विकसित किया था, सर्वप्रथम जिसने टेस्ट किया था वो कौन था, बिने और साइमन। कौन थे?
बिने बिने और साइमन, यही दो व्यक्ति थे जिन्होंने 1905 में क्या किया था, बुद्धि लब्ध के बारे में बात की थी। उन्होंने एक परीक्षण व्यक्त किया था, किसका? बुद्धि एक परीक्षण व्यक्त किया था, आईक्यू टेस्ट किया था उन्होंने, परीक्षण विकसित किया था। कब? 1905 में। बिने साहब थे और उनके मित्र एक थे साइमन, दोनों ने मिलकर 1905 में सबसे पहले बुद्ध के परीक्षणों के बारे में बात की थी। अगर सवाल इसमें कई बार आ चुका है एग्जाम में कि सबसे पहले बुद्ध परीक्षण के बारे में किसने बात की थी, तो आएगा कौन? बिने और साइमन, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी बुद्ध के परीक्षण के बारे में बात नहीं की थी। बुद्ध परीक्षण में जो कोई बात करने वाला था वो कौन था? बिने और साइमन था। फिर उन्होंने सन 1908 में एक टर्म यूज किया था जिसका नाम क्या था? मेंटल एज। एक टर्म यूज किया था उनके जिसका नाम क्या था? मेंटल एज, जिसे मानसिक आयु कहा गया, मानसिक आयु कहा गया, ठीक। अब इसके सहारे से किसी व्यक्ति के बुद्ध का वर्णन किया जाता था। किसके सहारे? इस मेंटल एज के सहारे, क्योंकि किसी व्यक्ति के, किसी बालक से या किसी व्यक्ति से, उससे उसकी मानसिक आयु पूछ ली जाती थी कि बताओ तुम्हारी मानसिक आयु क्या है, उसकी वास्तविक आयु, उसकी मानसिक आयु पूछ ली जाती थी। तो मानसिक आयु का जो सबसे पहले शब्द किया था, प्रयोग में लाया था, किसने लाया था? बिने और साइमन। बिने और साइमन से दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, अगर पूछा जाता है कि सबसे पहले आईक्यू टेस्ट, बुद्ध की संकल्पना या बुद्ध की टेस्ट के बारे में किसने बात की थी, वो कौन होगा? बिने और साइमन होगा। उसके बाद बात करते हैं कि मानसिक आयु का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो करने वाले कौन थे? बिने और साइमन ही थे जिन्होंने मानसिक आयु की बात की थी। फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद सन 1912 में क्या हुआ? 1912 में ईस्टर्न साहब आए, 1912 में विलियम ईस्टर्न ने बुद्धि लब्ध की संकल्पना के बारे में बात की थी। विलियम ईस्टर्न ने, चलो शुरू से देख लेते हैं इसको, जरा हम इरेज कर देते हैं। अगर बुद्ध लब्ध की संकल्पना के बारे में कोई बात करने वाला जो व्यक्ति था वो कहा था ईस्टर्न गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू। अगर बुद्ध लब्ध की संकल्पना के बारे में, संप्रत्यय के बारे में पूछा जाता है कि बुद्ध लब्ध का संप्रत्यय सबसे पहले किसने दिया था, वो किसने दिया था? विलियम ईस्टर्न। कौन थे? विलियम ईस्टर्न, जिन्होंने 1912 में किसका प्रयोग किया? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, वास्तविक आयु, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं? यम्मे अपान सी ए। उन्होंने क्या किया था? एक फार्मूला डेवलप किया था, किसको? विलियम ईस्टर्न साहब ने। जब 1912 में इन्होंने एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया, किसमें? संशोधन किया, किसमें? बुद्ध के बारे में। उन्होंने बताया इस तरह से बराबर क्या हो जाएगा? आईक्यू। इन्होंने बताया इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ये फार्मूला डेवलप किया, ड्राइव किया। कब? 1912 में। ईस्टर्न गेव द कंसेप्ट ऑफ आईक्यू। ईस्टर्न ने, विलियम ईस्टर्न ने 1912 में सबसे पहली बार उन्होंने क्या किया था? इसका एक सूत्र तैयार किया जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति की बुद्धि का वर्णन किया जाता था, किसी व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण किया जाता था कि हाँ ये व्यक्ति इतने बुद्धिमान है। इसमें मानसिक, किसी व्यक्ति से उससे उसकी मानसिक आयु पूछ लिया जाती थी। मान लें आपकी मानसिक आयु क्या है? 5 वर्ष। और क्रोनोलॉजिकल एज क्या है? सी 10 मान लेते हैं, बराबर उसकी आई क्यू हो जाता था। फिर उसको 5 5 1 5 5 2 10, मतलब आई क्यू इज इक्वल टू 2।
ये इसकी बुद्धिलब्ध जाति थी। ठीक, हमने देखा कि सबसे पहले बुद्ध परीक्षण किसने विकसित किया, विनय और साइमन, और बुद्ध के बारे में जो बुद्धिलब्ध के बारे में जो उन्होंने कंसेप्ट विकसित किया था वो किसने किया था, ईस्टर्न ने किया था 1912 ईस्वी में कंसेप्ट विकसित किया। ओके, फिर और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद जो सबसे भयंकर परिवर्तन करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे, टर्मन साहब थे। टर्मन ने क्या किया था, टर्मन ने बुद्ध लब्ध को इस तरह से डिफाइन किया था। टर्मन ने बताया जो हमारी आईक्यू होती है, हमारी इंटेलिजेंट कोशेंट होती है, बुद्धिलब्ध है उसको, जस्ट ए मिनट सॉरी, बुद्धिलब्ध के बारे में जो उन्होंने बात की थी टर्मन ने, उन्होंने सन 1916 ईस्वी में क्या किया था, 1916 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्या किया था, किसने, टर्मन साहब ने क्या किया था 1916 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उन्होंने शोध कर रहे थे वहां पे, रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने पाया कि जो ये थे विनय और साइमन ने मेंटल एज दिया था, मानसिक आयु दिया था, और उन्होंने जो टेस्ट विकसित किया था उससे को उन्होंने थोड़ा परिवर्तन कर दिया। उन्होंने कहा था ये लोग जो है बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से इसको ड्राइव नहीं कर पाए थे। फिर जब टर्मन साहब आए, उन्होंने 1916 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे थे उस टाइम पे, रिसर्च करते समय उन्होंने क्या किया, विनय और साइमन के टेस्ट में परिवर्तन करते हुए उसको पूरा वर्णन किया, कैसे, किस रूप में, यम में अपान सी ए मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू IQ, इस तरह से उन्होंने बताया। और उन्होंने इसका नाम क्या रखा, विनय स्टैनफोर्ड परीक्षण, इसका नाम क्या रखा। जब उन्होंने 1916 में इसका अध्ययन किया और इसको संशोधन किया तो उन्होंने अपने नाम पे नहीं लिया, वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे और विनय के रूल्स में उन्होंने परिवर्तन किया, इसलिए उसको अपना नाम न रखते हुए रखने के बजाय उन्होंने क्या किया, विनय स्टैनफोर्ड परीक्षण इसका नाम दिया। और इसके अनुसार वो किसी व्यक्ति के बुद्धिलब्ध का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, मान लो कोई क्वेश्चन दिया गया, मान लो किसी व्यक्ति की मानसिक आयु कितनी है, मानसिक आयु 10 है और उसकी वास्तविक आयु 8 है, तो बताओ उस व्यक्ति का बुद्धिलब्ध आयु कितना होगा। अब कुछ करना नहीं, इसी फार्मूले पर उठा के रख दो, यम में बराबर किया दिया गया है, मानसिक आयु बोले तो यम में मेंटल एज बराबर 10 और सी ए क्रोनोलॉजिकल एज क्या दिया 8, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, यम में कितना है उठा के रख दो, यहाँ पे यम में कितना है 10 अपान सी ए कितना है 8 मल्टीप्लाई कितना है 100 यहाँ पे, अब इसको क्या कर दो, काट दो, 100 यहाँ से कैंसिल हुआ, जस्ट ए मिनट, फिर 4 × 2 एंड 25 हो गया, और 2 × 5 = 10 हो गया, अब 25 × 5 = कितना हो जाएगा 125, ये इसकी कितनी हो गई IQ हो गई, मतलब ये जो व्यक्ति है वो सुपरियर है, ये इंटेलिजेंट बॉय है, ये जो है इसकी IQ जो 100 के ऊपर आती है तो एवरेज से ऊपर हो जाती है, और 120 प्लस हो जाती है तो उसको प्रतिभाशाली कहते हैं या गिफ्टेड चिल्ड्रन कहते हैं। तो इस प्रकार इसकी जो IQ निकल के आई कितना निकल के आई 125 आई, इज दैट क्लियर, तो जस्ट इमेंट गाइस। फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इसमें क्या होता है,
इसमें इसके कुछ परीक्षण के बारे में देखते हैं कि बुद्ध लब्ध के जो कुछ प्रकार इसका ग्राफ में देखने की कोशिश करते हैं। आइए जरा देखते हैं, इस चित्र में देखिए, ठीक ओके। इस तरह किसी व्यक्ति के बुद्ध लब्ध के बारे में वर्णन किया गया है। सबसे पहले क्या होता है, जीनियस होता है। जीनियस क्या होता है, जिसकी आईक्यू लेवल कितना होती है, 140 प्लस होता है। जीनियस जीनियस को क्या कहते हैं, प्रतिभाशाली, प्रतिभा प्रतिभाशाली। एवरेज आईक्यू कितना होता है इसका, इसका एवरेज आईक्यू क्या होगा, 140 प्लस होगा, इससे ऊपर होगा। फिर उसके बाद देखते हैं हम क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, सुपरियर होता है, वेरी सुपरियर, जिसे अतिश्रेष्ठ कहते हैं, अतिश्रेष्ठ। इसकी एवरेज आईक्यू कितना होगा, इसकी जो एवरेज आईक्यू होगी 130 से 139 होगा, कितना, 130 से 139 ओके। फिर उसके बाद देखते हैं श्रेष्ठ की, जो श्रेष्ठ की होती है वो श्रेष्ठ की क्या होती है, 122-129 होती है। फिर उसके बाद देते हैं औसत, औसत जो इसका क्या होता है, इसका एबव एवरेज जो होता है वो क्या होता है, 110 से 119 होता है, औसत से अधिक, उसका कितना होगा, 110 से 119 होगा। फिर उसके बाद देखते हैं औसत में जो होगा वो औसत वाला व्यक्ति कितना होगा, वो 92-109 होगा। फिर उसके बाद एवरेज से नीचे देखते हैं, जो एवरेज से नीचे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बिलो एवरेज जिसे कहते हैं, औसत से नीचे, औसत से नीचे उनकी कितनी बुद्धि लब्ध होती है, जो औसत से नीचे होते हैं उनकी क्या होगी, 80 से 89 होगी, 82-89 होगी। और जो उसके बाद जो उससे कम होंगे, जो उससे कम होंगे कहाँ से, 80 से मतलब 80 से नीचे होंगे, 70 से 79 होंगे, उसे क्या कहते हैं, मंद बुद्धि कहते हैं। मंद बुद्धि व्यक्ति क्या होंगे, 72-79। फिर जो उसके भी नीचे होंगे उसे डल बुद्धि कहते हैं, क्या कहते हैं, डल बुद्धि कहते हैं ओके जस्ट मिनट सॉरी ओके इट्स क्लियर। औसत से जो नीचे होंगे, जो एवरेज से नीचे होंगे उसे क्या कहते हैं, 80 से 89 होंगे। और जो मंद बुद्धि होंगे, डल बुद्धि होंगे, वो 70 से 79 होंगे, मंद बुद्धि ओके। फिर इसके बाद हम आगे देखने की कोशिश करते हैं, इसके बाद मोरून आता है, क्या मोरून, जिसे मूढ़ बुद्धि कहते हैं, मूढ़ मोरून मूढ़ होता है, वो कितना होगा, मोरून का जो एवरेज स्कोर होगा, मोरून का होगा 50 से 69 ओके। फिर उसके बाद जो, उसके बाद मोरन के बाद जो आता है वो क्या होता है, इम्बेसाइल होता है, क्या इम्बेसाइल, जिसे हम क्या कहते हैं, इम्बेसाइल को क्या कहते हैं, हीन बुद्धि कहते हैं, हीन बुद्धि। इम्बेसाइल में क्या हो जाता है, इसकी जो बुद्धि लब्ध होती है वो 25 से 49 होता है, कितना, 25 से 49। और लास्ट में जो देखते हैं इडियट, जिसे हम क्या कहते हैं, जड़ बुद्धि, जड़ बुद्धि, वो कितना होगा, उसका एवरेज स्कोर 0-25 या 24 लिखे हैं ओके, 24 ओके। इस तरह से उन्होंने आपको ग्राफ पे क्लियरली विजुअल हो रहा होगा, देखिए ग्राफ में पूरी कंफर्म आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से व्यक्ति के बुद्धि लब्ध का वर्णन किया जाता है। देखिए क्या होता है कि ब्रिटिश मेंटल डिफिशियंसी एक्ट 1913 में आई थी, और उन्होंने इस तीन बुद्धि के बारे में सबसे पहले वर्णन किया था, किसके बारे में, इस तीन बुद्धि के बारे में, कौन सा, मंद बुद्धि, सॉरी मूल बुद्धि, हीन बुद्धि और जड़ बुद्धि ओके। इस तीन बुद्धि के बारे में जो सबसे पहले बात की थी, किसने, ब्रिटिश मेंटल डिफिशियंसी एक्ट ने, उन्होंने बताया, उन्होंने जब इस बुद्धि के इस प्रकार का परीक्षण दिया और उस पर इन बुद्धियों के बारे में बात की, उन्होंने बताया था ये जो जड़ बुद्धि होते हैं जीरो से ट्वेंटी फोर के बीच में पाए जाते हैं, इनका क्या होता है, इनको शिक्षा नहीं दी जा सकती, इनको आप कुछ भी शिक्षण नहीं दे सकते हो, क्योंकि आप जो भी पढ़ाओगे यहाँ से निकल जाएगा, क्लियर। ये लोग पूरी तरह से पागल होते हैं, जो आप रोड पे घूमते हो देखते हो ना, जो कचरा उठ कर खाने लगते हैं, कुछ भी करने लगते हैं, वो क्या होते हैं, इनको शिक्षा नहीं दी जा सकती, जो 0 से 24 के बीच में होते हैं। जस्ट मिनट गाइस ओके। फिर उसके बाद उन्होंने बात की थी हीन बुद्धि की, हीन इम्बेसाइल की,
इन्होंने बताया था कौन सा, ब्रिटिश मेंटल डिफिशियंसी एक्ट जो 1913 में आया था। इन्होंने सबसे पहले तीन प्रकार की बुद्धि के बारे में वर्णन की थी। पहली बुद्धि उन्होंने बताया था कि जिसे जड़ बुद्धि कहते हैं, जिसे इडियट कहते हैं, और जो व्यक्ति इडियट होता है उसको शिक्षा नहीं दी जा सकती क्योंकि वो पागल नंगे घूमते रहते हैं रोड पे, कहीं कचरा उठा के खाने लगते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा शिक्षा का। फिर उसके बाद उन्होंने बात की थी किसकी, इम्बेसाइल की, हीन बुद्धि की, जिसकी बुद्धि लब्ध कितनी होती है, 25 से 49 के बीच में होती है, उसको भी शिक्षा नहीं दी जा सकती, लेकिन उसको ट्रेनिंग दी जा सकती है। ट्रेनिंग कैसी ट्रेनिंग, उसको कपड़े पहनने की ट्रेनिंग दी जा सकती है, ठीक, उसको खाना खाने की ट्रेनिंग दी जा सकती है, ठीक, उसको नहाने धोने की ट्रेनिंग दी जा सकती है। इस प्रकार से वो घर में रह सकता है और खाना भी खाना का खा सकता है, खुद से कपड़े पहन लेगा, इस प्रकार से उसको ट्रेनिंग दी जा सकती है, लेकिन उसको भी शिक्षा नहीं दी जा सकती, ध्यान रखना। फिर बात करते हैं मोरोन की, मोरोन जो कि मूढ़ बुद्धि का होता है। मोरोन, आपने एक मूवी देखी होगी क्या, सिंग इज बिलिंग, जिसमें सारा क्या कहती है, मोरोन कहती है। मोरोन की बात करते हैं, इस व्यक्ति को शिक्षा दी जा सकती है क्योंकि इनकी जो बुद्धिलब्ध होती है, आईक्यू होता है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट होता है, उस कितना होता है, 50 से 69 होता है, इनके बीच में होती है, और उनको शिक्षा देने से थोड़ा उनको पुशअप मिलता है और इस प्रकार वो समाज की गतिविधियों से जुड़ जा सकते हैं, इनको शिक्षा दी जा सकती है। फिर उसके बाद बात करते हैं बिलो एवरेज, जो एवरेज के नीचे होते हैं, जिसे हम सामान्यतः पिछड़े बालक के नाम से जानते हैं, उनको भी थोड़ा परिश्रम करोगे, थोड़ा मेहनत करोगे तो वो एवरेज में आ जाएंगे। जो क्लास के अन्य विद्यार्थी हैं, जो अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा क्लास में पिछड़े रहते हैं, उन्हीं को कहते हैं बिलो एवरेज, और उनको थोड़ा सा आप शिक्षा दोगे, थोड़ा पुशअप करोगे तो वो उनके बराबर आ जा सकते हैं। फिर एवरेज की बात करते हैं, एवरेज वो व्यक्ति, वो बालक होते हैं जो क्लास में लगभग 70% व्यक्ति एवरेज में आते हैं, बालक एवरेज में आते हैं, क्योंकि सबको लिखना पढ़ना बोलना आता है और इस प्रकार वो एवरेज में आ जाते हैं। फिर उसके बाद एबव एवरेज, 110 से 119 के बीच में होते हैं, उन्हें वो क्या होते हैं, वो पढ़ने वाले व्यक्ति से थोड़ा और अधिक तीव्र होती है उनकी माइंड। फिर उसके बाद आते हैं सुपरियर आता है, सुपरियर मतलब 120 से 129 के बीच में आता है, और इसे फिर बात करते हैं सुपरियर की, जो श्रेष्ठ होता है क्योंकि वो क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं, जिसे हम सृजनात्मक बालक के नाम से जानते हैं, वो भी बहुत क्या होते हैं, बहुत प्रतिभा क्या होते हैं, बहुत तीव्र होते हैं सोचने समझने में, कोई कार्य करने में। फिर बात करते हैं प्रतिभाशाली, जिसे हम गिफ्टेड चिल्ड्रन कहते हैं, जिनका माइंड डाइवर्जेंट होता है, अब सारी चिंतन जो करते हैं पूरी सभी दिशाओं में सोचने वाले बालक होते हैं, कोई भी कार्य करो तुरंत क्षण भर में कर लेंगे, वो ऐसे बालक होते हैं जो अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचने की क्षमता रखते हैं, हाइपोडिडक्टिव थिंकिंग रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।